ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बारा के शाहबाद कस्बे में देवरी में एक मकान में विस्फोट हो गया, जिससे कि मकान धराशायी हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हुए हैं। सूचना पर शाहबाद पुलिस उपाधीक्षक कजोड़मल जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मुआयना किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल भार्गव संवाददाता शाहबाद जुड़े हुए हैं। अनिल, आखिर क्यों इस मकान में, कैसे इस मकान में ये धमाका हुआ है, इसके पीछे कारण क्या रहा, जांच में क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अपने कस्बा थाना पुलिस थाना क्षेत्र के देवरी कस्बे का मामला है। यहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक संचालक डॉक्टर था, जो मध्य प्रदेश का, यहाँ पर कई वर्षों से रहता था और दुकान संचालित करता था। इसी के मकान में कोई विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था, जिसके चलते अचानक विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट में एक की मौके पर मौत हुई है, दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को बारा जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया है। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक पहुंचे हैं और मामले की जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं। भाई, क्षेत्र के लोगों में अफरा तफरी भी मच गई थी ये विस्फोट की आवाज सुन के। अभी फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। अभी विस्फोट किस कारण हुआ है, कैसे हुआ है, इसका खुलासा नहीं किया जा सका है। जैसे ही पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी है, पुलिस खुलासा करेगी, उसके बाद ही कुछ कहना अच्छा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, आपका तमाम जानकारी के लिए।